हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम और आप मिल करके कैसे ऑनलाइन जो सेलर्स हैं इनको चैलेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन जो कस्टमर है इनको कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच करके सर्टिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम होलसेलर की बात करते हैं। जो बड़े होलसेलर है जो बल्क में अपना डील करते हैं, वे लोग रिटेल बिजनेस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, एक या दो पीस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि उनका सेट बाई सेट सामान आता है, जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जहां तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बंडल, ये चार कलर का एक बंडल आता है, ये चार कलर का एक सेट बनता है, ये सूट का आइटम हो तो ये बंडल हो गया। और होलसेलर जो है ये बंडल टू बंडल ही डील करते हैं। आप एक या दो पीस इसमें से खोल करके अपने कलर के हिसाब से चूज करके अगर लेना चाहते हैं तो फिर वहां पर वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो एक अच्छा होलसेलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अच्छे होलसेलर की पहचान यही होती है कि वो बंडल टू बंडल ही डील करते हैं, एक या दो पीस आपको खोल करके नहीं बेचेगा। अब यहाँ पर फंडा आप समझने वाली बात यह है कि ये खोल करके बेच कौन रहा है। तो जो होलसेलर है उस होलसेलर से आप, जैसे कि छोटे मोटे जो व्यापारी वगैरह है या बड़े ही व्यापारी है जो रिटेल बिजनेस करते हैं, तो वही लोग इस चीज को खोल करके ऑनलाइन में जो है कि लिस्टिंग करके रेट वगैरह डाल करके अपना जो माल बेच रहे हैं, ये वे लोग बेच रहे हैं। जैसे कि अगर ये होलसेलर से 1000 रुपये में अगर खरीद करके लाया है अगला बंदा, तो 1200-1300 रुपये में वो ऑनलाइन में बेच रहा है। तो ये 1200-1300 में बेचने का मतलब ये है कि इसमें उसके जो स्टाफ के खर्चे वगैरह जो है, और जो डिलीवरी बॉय होते हैं जो डिलीवर करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो उसमें उसका भी खर्चा होगा, तो ये सभी 200-300 रुपये मार्जिन पे वो काम कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली समझना क्या है कि ये प्रोडक्ट जो जिस होलसेलर से वो खरीद करके लाया है, अगर आपका भी लिंक वैसे होलसेलर तक का है, वैसे होलसेलर आपके कॉन्टेक्ट में है जो कि यही सेम प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये में दे रहे हैं, तो फिर आपको दुकान में 1200-1300 में बेचने में क्या दिक्कत है भाई, 200-300 रुपये तो आपको भी मिल रहे हैं। ये चीज समझिए आप कि अगर आप 1200-1300 में नहीं बेच पा रहे हैं, अगर 1200-1300 रुपये आपका इसका कॉस्टिंग ही आ रहा है, लेकिन कस्टमर आपको 1200-1300 में देने के लिए मतलब बोल रहे हैं, कस्टमर का कहना है कि मुझे 1200-1300 में ही चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में इतना में मिल रहा है, तो या तो आप 1200-1300 में नहीं बेच पा रहे, ये आपकी गलती है, या आप जो है कि गलत होलसेलर को पकड़े हुए हैं, जहां से आप माल परचेजिंग कर रहे हैं वहां पे आपको सही रेट नहीं दिया जा रहा है, यही हो सकता है ना भाई। तो अपने होलसेलर को बदलिए, आप जाइए आप दूसरे तीसरे होलसेलर के पास जाइए, आपको बिल्कुल रेट मिलेगा, क्योंकि रेट नहीं मिलता तो वो बंदा अगला जो है वो 1200-1300 में ऑनलाइन बिल्कुल सेल नहीं करता, ऑनलाइन सेल कर रहा है 1200-1300 रुपये में, मतलब उसको सस्ता में मिल रहा है, कहीं ना कहीं सस्ता पे मिल रहा है, ढूंढ करके ला रहा है, कहीं से भी ढूंढ रहा है। तो अगर आप जो है कि इतना ढूंढने में कैपेसिटी रखते हैं, आप अच्छे होलसेलर को ढूंढ पाते हैं, तो आपके लिए भी आसानी है ना। 1000 का प्रोडक्ट बेच करके आपको अगर 200-300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो समझिए वो 20-30% का प्रॉफिट है ना, तो 20-30% का प्रॉफिट जो है रिटेल के लिए ये काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है अभी के दौर में। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है आपको कि आप जो होलसेलर से, जिस होलसेलर से आप सामान ले रहे हैं, वहां पर आप अपनी बात को रखिए कि हाँ आगे ये 1000 रुपये में मिल रहा है, आप हमको 1200-1300 में क्यों लगा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट सेम है तब जाकर के आप इस तरह का बात बोल सकते हैं, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो फिर मुश्किल है बोल पाना वहां पे। तो उसी टाइप का प्रोडक्ट आप ढूंढिए आगे मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट है होलसेल मार्केट है, वहीं से ना कोई उठा करके बेच रहा है माल को, तो वहां तक आप अपनी पहुंच जो है वो बढ़ाइए, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कस्टमर है ऑनलाइन से जो एडिक्ट हो गए हैं, ऑनलाइन से सामान वगैरह परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन में देख करके, वैसे कस्टमर यदि आपके दुकान पे आए तो आप उसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। जैसा कि मान के चलिए ये वाला जो एक सूट है, ये एक सूट उसने कहीं पे ऑनलाइन पे लिस्टिंग पे देखा, वहां पर आप 1200-1300 रुपया जो भी हो, चलिए मान के चलिए 1200 रुपया ही सही, 1200 रुपये का लिस्टिंग उसको देखने को मिला है वहां पे प्राइस टैग, ठीक है, तो 1200 रुपये में प्राइस टैग देखने को मिला, प्रोडक्ट सेम है। अगर आपके दुकान में अगर आती है वो कस्टमर चाहे आते हैं, तो वहां पर आपको करना क्या है, अगर प्रोडक्ट देखते देखते अगर उसको जच जाता है, ये प्रोडक्ट उनके पसंद का हो जाता है, तो वो बोलती है कि ये प्रोडक्ट तो हमें इतना में मिल रहा है, यानी कि 1200 रुपये में ऑनलाइन में मिल रहा है, आप दुकान में आप जैसे कि 1500-1600 रुपये क्यों इसका दाम बता रहे हैं। तो वहां पर आपको सिंपली करना क्या है
कि सीधे उस कस्टमर को कहिए कि ये 1200 रुपए में अगर कहीं पे आपको ऑनलाइन पे दिखाया गया है तो मुझे भी ये दिखाइए अपने मोबाइल खोल करके कि अगर ये प्रोडक्ट मेरा सेम निकला 1200 रुपए का तो मैं आपको दे देता हूँ। तो अगर वो कस्टमर जेन्युइन कस्टमर है तो आपको वहां पर जो ऐसे कि मोबाइल में दिखाएंगे फोटो वीडियो जो भी हो वहां पे अगर रेट मेंशन हुआ अगर आपको दिख रहा है इसी प्रोडक्ट का सेम प्रोडक्ट का अगर रेट मेंशन दिख रहा है 1200 रुपए का तो आप सिंपली उसको 1200 रुपए में ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात नहीं। इस तरीके से आप जैसे कि वीडियो किसी और का हो लेकिन फायदा आप उठा सकते हैं। रिसेंटली मैंने ऐसा कई बार किया भी है, इसी चीज में साड़ी वगैरह वायरल साड़ी कई सारे जो कस्टमर थे वो मतलब बता रहे थे कि ये तो 500 में मिल रहा है, ये 600 में मिल रहा है, ऐसा बता रहे। मैंने भी उनको बताया कि अगर आपके पास वो वीडियो है वो फोटो है तो मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा, अगर मेरा प्रोडक्ट सेम निकला तो मैं उसके बताए गए रेट पे दे दूंगा, क्योंकि मेरी भी पहुंच अच्छे होलसेलर तक की है, वो जो मतलब मुझे जेन्युइन रेट देते हैं, जो और कस्टमर को जो और जो पुराने व्यापारी को जो रेट देते हैं वो रेट मुझे भी लगता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा रिक्वेस्ट जैसे कि मैं उन कस्टमर को बोला कि मुझे वो फोटो या वीडियो दिखा दीजिए जिसमें ये प्रोडक्ट जो है कि रेट के साथ मेंशन किया गया हो, मैं उसी रेट में आपको देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने भी मतलब मोबाइल निकाला और उस साड़ी का जो कीमत था वो 599 रुपये, यानी कि 599 रुपया दाम था, और वो बता रहे थे कि केवल 500 रुपये। मैंने बोला 599 रुपये का दाम है, आप 599 दे करके ले जाइए, ये 500 में आप ऑनलाइन वाला को भी अगर कॉल करते हैं 500 रुपये में दीजिए तो 99 रुपया जो है 99 रुपीज़ जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा, 99 रुपीज़ वो आपसे लेगा ही लेगा, तो आप क्यों ना हमसे ही 99 दे करके ले जाइए आप। तो ये ट्रिक लगा करके आप जो ऑनलाइन कस्टमर है उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप उस रेट में नहीं बेच सकते हैं तो समझिए आपको कहीं ना कहीं जो है ऐसे कि होलसेलर के द्वारा चूना लगाया जा रहा है, तभी जाकर के आप उस रेट में बेच नहीं पा रहे हैं। मान के चलिए अगर 500 रुपये का भी प्रॉफिट अगर बच रहा है आपको तो आप जरूर से जरूर उस डील को कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति करेगा, कोई ना कोई मतलब उस डील को जरूर से जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कुर्ता है ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि ये केवल मेरे पास ही अवेलेबल है, इस एरिया में जितने भी दुकानदार है हो सकता है उन सभी के पास अवेलेबल हो। तो अगर मैं चाहूं कि इस कुर्ते के ऊपर मैं 200-300 रुपये से कम के प्रॉफिट पे नहीं बेचूंगा तो ऐसा मतलब करेंगे तो ये कुर्ता जो है कि डेड स्टॉक में चला जाएगा। तो जो कस्टमर आ रहे हैं 10% 20% जो है मार्जिन बच रहा है तो आप उस डील को जरूर से कीजिए। अगर आप मतलब मन में सोचे रहेंगे कि हाँ मुझे 400-500 जब तक नहीं मिलेगा एक प्रोडक्ट पे तब तक मैं सेल नहीं करूंगा तो भाई साहब आपका सामान जो है से कि बिल्कुल रखा का रखा ही रह जाएगा। तो यही चीज है, ऑनलाइन सेलर्स को आप इस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप उसके द्वारा बताए गए रेट में अगर बेच रहे हैं तो कस्टमर जो है आपके दुकान के प्रति जो है से कि थोड़ा सा आकर्षित हो जाएगा कि ऑनलाइन में जो रेट मिलता है फलाने के दुकान में, आपके दुकान का नाम लेते हुए बोलेगी कि उनके दुकान में भी सेम रेट में मिलता है तो हम ऑनलाइन क्यों मंगाएं। वहां पर जाएंगे तो दुकान में उनके कपड़ा वगैरह फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन यही होता है कि आपको ऑनलाइन अगर परचेजिंग करना है तो अगर डिलीवरी आ जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, उस वक्त आपको कैश देना पड़ेगा। भले ही अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता हो तो आप 2-4 दिन 5 दिन के बाद में अगर उसको रिटर्न का और या चाहे एक्सचेंज का अगर अर्जी लगाते हैं तो हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन से बेहतर है आप ऑफलाइन में आइए खरीदिए। तो यही वो फंडा है, इस तरीके से आप जैसे कि यही ट्रिक अपना करके आप अपने दुकान में कस्टमर जो है जैसे कि वो बढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन के जो सेलर्स हैं उनके पास ऑर्डर कम आएगा। तो दोस्तों यही वो ट्रिक है जिस ट्रिक को अपना करके आप ऑनलाइन सेलर्स को चैलेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन जो परचेज करते हैं जो कस्टमर उनको अपनी दुकान की तरफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को नीचे लाल वाला बटन दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।